हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाटाइटिस पर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैनक्रियास कहाँ होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि पैनक्रियाटाइटिस कैसे होता है, इसके कॉज क्या हैं और साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि मोस्ट कॉमनली जिस वर्ड में हम अगर आइटिस जुड़ जाता है तो वहाँ पे सीधा सीधा मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन पांच चीज़ों को कंसिस्ट करता है, मतलब वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, पेन हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और वहाँ का फंक्शन थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो जहाँ भी इन्फ्लामेशन की बात होगी कि हाँ यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया, वहाँ ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल होगी। तो सेम चीज़ हमें पैनक्रियास में करना है, पैनक्रियाटाइटिस जैसे नाम बता रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैनक्रियास कहाँ सिचुएटेड है और क्या फंक्शन है इसके। अगर हम बात करें कि पैनक्रियास के एनाटॉमी के बारे में, तो पैनक्रियास आपका स्टमक के नीचे सिचुएटेड है। एक तरफ इसका ड्यूओडेनम है और दूसरी तरफ इसके स्प्लीन है, ये बीच में है। पैनक्रियास को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, हेड, बॉडी और टेल। तो अब देखते हैं कि पैनक्रियास का फंक्शन क्या है। दोस्तों पैनक्रियास दो तरह के फंक्शन, एक्चुअली ये दो तरह के पार्ट में आता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है और इंडोक्राइन ग्लैंड में भी आता है। तो अगर हम बात करें कि इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या फंक्शन है इसका, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में ये सिक्रीट करता है इंसुलिन, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है। वहीं अगर हम बात करें कि एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है इसका, तो ये एक्सोक्राइन में सिक्रीट करता है जूस, जो कि फैट को डिसॉल्व करने का या ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो अब तक एनाटॉमी और थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी हम समझ गए कि पैनक्रियास क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और ये कहाँ सिचुएटेड है। तो अब इसमें हम थोड़ा इन्फेक्शन और थोड़ा इन्फ्लामेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या पैनक्रियाटाइटिस होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पैनक्रियाटाइटिस, तो पैनक्रियाटाइटिस होने के कॉज क्या है, आप पूछते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस क्यों होता है। देखिए 80% केसेस में होता है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम तक ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आप बहुत प्रोन है कि आप पैनक्रियाटाइटिस से सफ़र कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि 10-15% केसेस में कि गॉल ब्लैडर में रिकरेंट होने वाले इन्फ्लामेशन या स्टोन, जिसको हम बोलते हैं कॉलीलिथियासिस, उस वजह से भी होता है। अब आप बोलेंगे कि गॉल स्टोन में पैनक्रियाटाइटिस कैसे होगा, तो इसे हम सिंपल तरीके से समझते हैं। गॉल ब्लैडर लीवर के जस्ट पीछे होता है, यहाँ से एक डक निकलती है, एक छोटी पाइप जैसी निकलती है और वो नीचे आती है। सेम पाइप, एक दूसरी पाइप आपके लीवर से निकलती है, जिसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, और जो गॉल ब्लैडर से निकलती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो ये दो डक्ट ऊपर से ऐसे निकल के यहाँ मर्ज हो जाते हैं, इस तरफ हम मर्ज होकर कॉमन ट्रैक बनाते हैं। अब ये कॉमन ट्रैक या कॉमन पाइप जो छोटी निकलती है उसको बोलते हैं CBD, कॉमन ब्राइडल डक्ट। तो अगर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है, वो स्लिप होकर नीचे की तरफ आ जाता है, तो वो CBD में आएगा और CBD से होते हुए फिर वो पैनक्रियास में चले जाता है। तो इससे होता यह है कि पैनक्रियास के ओपनिंग पे, पैनक्रियास में तो जूस निकलता है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि फैट को डिसॉल्व करने के लिए तोड़ने के, तो होता यह है कि वो ब्लॉकेज हो जाता है वहाँ पे। अब पैनक्रियास अपना जूस नहीं निकाल पा रहा, तो क्या होगा, स्वेलिंग होगा, जो कि पैनक्रियाटाइटिस में अगर आप सोनोग्राफी करेंगे तो आपको स्वेलिंग मिलता है, तो इस वजह से वह स्वेल हो जाएगा। तो ये पैथोलॉजी है कि एग्जैक्ट चीज़ ऐसे ही होती है। अगर दूसरे कॉज की हम बात करें, तो कुछ मेडिसिंस हैं जिन्हें अगर आप काफ़ी लंबे टाइम तक कंज्यूम करते हैं तो भी पैनक्रियाटाइटिस होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे, किन चीज़ों पर, किन बातों को हम ध्यान में रख के समझ सकते हैं कि ये पैनक्रियाटाइटिस है। Proceed on to light palpation. So, you let me know if there's any tenderness. So, that's it. She's actually guarding a little bit at the over there, left lower quadrant. तो सबसे पहली बात ये हमें समझना होगी कि पैनक्रियाटाइटिस में आपको एब्डोमिनल पेन बहुत सीवियर रहेगा। लेकिन ये पेन कहाँ होगा, आपको एपिगैस्ट्रिक। अब आप बोलेंगे एपिगैस्ट्रिक, तो उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बताया कि 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ योर एब्डोमेन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, हालांकि पैनक्रियास थोड़ा डीप सिचुएटेड होता है, इसलिए आपको एपिगैस्ट्रिक के साथ साथ बैक पेन भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं कि पेट में पेन हो रहा है एपिगैस्ट्रिक एरिया में और सेम टाइम बैक पेन भी हो रहा है बहुत सीवियर, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि कहीं ये पैनक्रियाटाइटिस तो नहीं है। उसके अलावा उसकी आप हिस्ट्री देखिए कि कहीं वो अल्कोहलिक तो नहीं है, रिकरेंट उसको गॉल स्टोन तो नहीं हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप देख के समझ सकते हैं। दूसरा सिम्टम्स आता है नौशिया एंड वॉमिटिंग। डेफिनेटली ये नौशिया एंड वॉमिटिंग परसिस्टेंट रहेगा, कंटिन्यूस उससे वॉमिटिंग होती रहेगा। तीसरी बात,
उसके कम पेन, स्पेशली अबडोमिनल पेन बहुत बढ़ जाएंगे जब भी वो कोई चीज़ खाएगा। अब वो क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ खाओगे पैनक्रियाज वो जूस सिक्रेट करेगा कि उसे निकालेगा, चलो खाना आया है उसे तोड़ना है। लेकिन हुआ ये है कि वो जूस तो निकाल रहा है लेकिन जाएगा कहाँ, वो ब्लॉकेज है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है वहाँ पर, जिस वजह से वो स्वेल हो जाता है और सीवियर पेन हो जाता है। दूसरी बात, अब जब फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, हालांकि फूल तो टूट ही नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स फूड है, जो भी आपने खाया उसको तोड़ा ही नहीं है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं बने, तो वो ऐसे के वैसे रहेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आप उनके स्टूल टेस्ट कराएंगे तो उनका पूछेंगे कि क्या है, आपके मोशंस नॉर्मल हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा स्टिकी, थोड़े चिपचिपे टाइप के होंगे, वही चीज़ है जो फैट आपकी बॉडी में से निकल रहा है स्टूल में। इस वजह से उनका वेट लॉस हो सकता है क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वेट लॉस हो सकता है और स्टूल में आपको ये चिपचिपापन, या पेशेंट ही बता देगा आपको कि चिपचिपापन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे, इसके अलावा फीवर ये भी होगा। फीवर इसलिए होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन, बॉडी में कहीं भी कुछ इन्फ्लामेशन हो गया तो बॉडी का रिस्पॉन्ड होता है फीवर। फीवर एक मैकेनिज्म है जो डिफाइन करता है कि कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है, तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बॉडी को बचाने का काम करता है फीवर। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि इन सारे सिम्टम्स के बेसिस पे कि कहीं ना कहीं मुझे पैनक्रियाटाइटिस है, मैं पैनक्रियाटाइटिस से सफ़र कर रहा हूँ। अब बात आती है कि रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन क्या करें आप, तो सबको पता है पैनक्रियाटाइटिस पेट की प्रॉब्लम है, पहले आप जाएंगे सोनोग्राफी कराएंगे, तो सोनोग्राफी में पहले ही पता चल जाएगा कि पैनक्रियाज में स्वेलिंग है या वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेट है, पानी जम गया है, पानी मतलब वो जूस पैनक्रियाज का। दूसरी बात आ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आप CBC कराएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि आपका काउंट बढ़ा है, मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ जाता है लोगों में क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है पैनक्रियाज। इसके अलावा हम करा सकते हैं सीरम लाइपेज, जो हमें बताता है कि पैनक्रियाटाइटिस है या नहीं। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन की, अगर हायर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अगला जो इन्वेस्टिगेशन आता है वो MRCP, यह है कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। यहाँ पे बेसिकली हम पैनक्रियास को फोकस करते हैं और उसके आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर से दो डक्ट आ रहे हैं, सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट, और नीचे आके वो CBD यानी कॉमन बाइल डक्ट आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो ये देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट पैनक्रियाटाइटिस में क्या ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट रहता है Nilbamount, आपको कुछ नहीं लेना होता है। रीज़न मैंने पहले बता दिया आपको, जब भी आप कोई कंज्यूम करेंगे पैनक्रियास जूस सिक्रेट करेगा क्योंकि पैनक्रियास को लगता है कि आपने कुछ कंज्यूम किया है, उसे तोड़ना चाहिए, उसे पचाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो जूस बाहर ही नहीं निकल रहा, तो पेन बढ़ जाएगा आपका। तो इसलिए Nilbamount रखा जाता है ऐसे पेशेंट्स को। पेन किलर, डेफिनेटली पेन है तो पेन किलर दे, स्वेलिंग कम करने की मेडिसिन पेन किलर दिए जाते हैं जिससे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कम हो जाता है। अल्कोहल कम्प्लीटली स्टॉप, आपको दारू पूरी तरह बंद करनी होती है। और अगर हम बात करें ट्रीटमेंट में, तो ऐसे पेशेंट्स में एक आर्टी इंसर्ट की जाती है जिसे रैलस्टिक बोलते हैं, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, आपके नाक से स्टमक में जाती है और फिर उससे हम सारा चीज़ एस्पिरेट कर लेते हैं। तो ये था अपडेट पैनक्रियाटाइटिस के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।